लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। प्रभात तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिन दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे सेल्स इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। संघर्षों की राहों में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये स्वागत दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए क्लास का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं, और ये दिवाली आप संकल्प लेना है कि अगली दिवाली जब आए तो सिलेक्शन आपके हाथ में हो, आप सरकारी नौकरी आपके हाथ में हो, और पिता की फिक्र को आप फक्र में बदल पाओ। बिल्कुल स्वागत है आपका सालू, मंजीत, शशि, राजेंद्र, बिल्कुल दीपक, कनीश, निशा, हर अखिलेश, रितेश, सभी का स्वागत दोस्तों रहने वाला है यहाँ पर। कुछ मैडम महत्वपूर्ण सवाल इकोनॉमिक से कराने वाला हूँ। अगर आप ब्रह्मास बैच है तो आपका रिविजन हो जाएगा, अगर आप दोस्तों कोई तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में तो इकोनॉमिक्स के ये सवाल आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, बांके बिहारी लाल की जय। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको जवाब देना है। अगर आपको वो सवाल नहीं आता तो आपको कॉपी के अंदर नोट कर लेना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और दिवाली ऑफर शुरू हो चुका है उत्कर्ष के अंदर से। दिवाली ऑफर में आपको ऑफ भी मिल रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, और साथ में दोस्तों 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है वो भी आपको उपलब्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जन्म तीन बैंकों के विलय से हुआ है। इनमें से यह बैंक दोस्तों निम्नलिखित में से आपके शामिल नहीं है। तीन बैंक दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एक तो बैंक ऑफ बंगाल दोस्तों, एक दोस्तों बैंक ऑफ आपके मद्रास दोस्तों, और सो एक दोस्तों बैंक ऑफ आपके कौन सा है कोलकाता। सो तीन बैंक हैं आपके, सो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, सो बैंक ऑफ बॉम्बे छापना, तीन दोस्तों बैंक थी आपके। तो तीनों सो बैंकों का सो विलय हुआ, मर्ज हुआ आपस में, और सो नई बैंक बन गई छापना कौन सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो 1921 की बात, सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है सो इसका निर्माण हो गया, और यही दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सो कन्वर्ट हो गए, सो किसमें आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गई। कब दोस्तों छापना, 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्ट हो गई। तो बैंक ऑफ बंगाल, सो बैंक ऑफ बंगाल, सो बैंक ऑफ कलकत्ता, एक बात दोस्तों आपके बैंक ऑफ बंगाल, सो बैंक ऑफ, मैंने कहा बैंक ऑफ बॉम्बे, सो आपके और बैंक ऑफ मद्रास छापना, सो तीन बैंक थी जिनका विलय हुआ। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बैंक जो है वो इसमें शामिल नहीं होती है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा आंसर है। बाकी दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और सो बैंक ऑफ बॉम्बे सो विलय होती है, मर्ज होती है आपस में, और सो बैंक आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनती है दोस्तों, और यही दोस्तों बैंक आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी दोस्तों इसके हेड पूछे आपसे दिनेश खारा, सो पूछो आपसे दिनेश, और दिनेश खारा जो सो दिनेश खारा इसके हेड वर्तमान में। और अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय, सो मुंबई जो है नरीमन पॉइंट जो है वहां इसका मुख्यालय है। भारत की सबसे बड़ी बैंक पूछो आपसे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंकिंग सुधार समिति को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, शाही आयोग, भगवती आयोग, शिव रमन कमेटी, सो नरसिम्हन कमेटी, ये चार दोस्तों इकोनॉमिक्स की बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी। सो नरसिम्हन कमेटी से आप जानते हो बैंकिंग रिफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, नरसिम्हन कमेटी आपका ठीक आंसर, ठीक है। अगर पूछूं आपसे शाही दोस्तों आयोग छापना, इसे बोलते हैं यंग हिल्टन, सो इसे बोलते हैं यंग हिल्टन आयोग दोस्तों, और इसी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। या भली बात जानते हो आपके, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन या शाही आयोग जो है इसकी रिकमेंडेशन पर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे भगवती कमेटी, पूछूं आपसे बेरोजगारी, सो अनएम्प्लॉयमेंट, सो अनएम्प्लॉयमेंट पूछे आपसे भगवती कमेटी, सो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भगवती कमेटी आपके, सो और शिवरमन कमेटी पूछूं आपसे वो सो नाबार्ड की, सो नाबार्ड की स्थापना पूछे आपसे वो रसगुल्ला, शिवरमन नाबार्ड
नाबार्ड की जो स्थापना होती है, आपके नाबार्ड की स्थापना पूछूं आपसे, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। हमारा दोस्तों आंसर नरसिम्हन कमेटी जो है उसका हमारा आंसर हो गया। अगर आपसे पूछो इंश्योरेंस रिफॉर्म पूछूं आपसे, तो इंश्योरेंस रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म पूछे आपसे, बीमा सुधार और कर सुधार पूछूं आपसे, टैक्स रिफॉर्म चलैया कमेटी, टैक्स रिफॉर्म पूछे आपसे चलैया समिति छापना टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। और सो इंश्योरेंस रिफॉर्म पूछूं आपसे, मल्होत्रा कमेटी जो है आपके वो कौन से हो, वो आपके इंश्योरेंस रिफॉर्म की है। इंश्योरेंस रिफॉर्म मल्होत्रा कमेटी, टैक्स रिफॉर्म चलैया कमेटी, जो आपके बैंकिंग रिफॉर्म नरसिम्हन कमेटी, तीनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक टकसाल 4 है, तो निम्नलिखित में से किस जगह, तो सुनिए आपके टकसाल दोस्तों, जहां सिक्के ढलते हैं, जहां सिक्के बनते हैं वो टकसाल होता है, ठीक है, जहां कॉइन्स बनते हैं वो टकसाल। सो ये 4 टकसाल भारत के अंदर आपके मुंबई, नोएडा, कलकत्ता दोस्तों, राजस्थान ही दोस्तों आपके हैदराबाद, ठीक है। तो मुंबई, नोएडा, कलकत्ता दोस्तों, राजस्थान नहीं हैदराबाद छापना, ये तो 4 टकसाल आपके जहां कॉइंस बनते हैं या सिक्के रखते हैं आपके, मुंबई, नोएडा, कलकत्ता, हैदराबाद, तो 4 टकसाल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, क्योंकि पूछा है कौन सी जगह नहीं है, राजस्थान के अंदर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों नोट प्रिंटिंग प्रेस है आपके, वो भी दोस्तों 4 स्थान ही आपके, सो पूछे आपसे कौन सा है, देवास तो पूछूं आपसे, तो देवास तो आपके नासिक, देवास नासिक तो सालवोनी पूछे आपसे, देवास नासिक सालवोनी, एक स्थान और है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर वो कौन सा स्थान, सो जहां नोट प्रिंट होते हैं, आपके वो सो देवास मध्य प्रदेश, नासिक दोस्तों महाराष्ट्र, सालवोनी पश्चिम बंगाल हो गया सो एक स्थान और बताओ आपके, देवास, नासिक, सालवोनी, पश्चिम बंगाल, एक स्थान और है जो आपको छापना है, ठीक है। आयात निर्यात बैंक पूछो आपसे, एक्जिम दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत दोस्तों होती है, अधिनियम पूछा है, स्थापना कब होती है वो नहीं पूछा, स्थापना दोस्तों पूछो आपसे 1982 में इसकी स्थापना होती है, पर दोस्तों 1981 का एक्ट है, नोट करना दोस्तों, अगर पूछो आपसे अधिनियम, पूछे आपसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक अधिनियम कौन सा है, 1981 का अधिनियम छापना, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। स्थापना 82 में होती है, पर अधिनियम कब का है, अधिनियम 1981 का है। किस प्रकार दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 का एक्ट से होती है, पर दोस्तों स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। लिखिए ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया है, अधिनियम 1981 ठीक आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछूं आपसे, स्थापना कब और किस अधिनियम, कब और किस अधिनियम के तहत दोस्तों होती है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्थापना पूछूं आपसे, 1934 से एक्ट था आपके, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और अगर पूछे आपसे शाही दोस्तों आयोग, शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था दोस्तों आपके, परसों अभी आपका मुख्यालय चेंज हो गया, मुंबई हो गया है, स्थापना के समय मुख्यालय कलकत्ता था, अभी दोस्तों मुख्यालय मुंबई हो चुका है, और 1 जनवरी 1949 छापना, इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ये भी आपको छापना है, ये सारी बातें आपको नोट करनी है। तो स्थापना पूछूं आपसे, अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को होती है, सो अधिनियम कौन सा है, 34 का अधिनियम है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर होगा, 34 का एक्ट है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिजर्व बैंक के शाख नियंत्रण के गुणात्मक दोस्तों या चयनात्मक उपाय में से कौन सम्मिलित नहीं, आपके खुले बाजार की तरह दो तरीके से उपाय होते हैं, एक तो होते हैं मात्रात्मक उपाय, एक तो होता है मात्रात्मक उपाय और एक होता है गुणात्मक उपाय, दो तरह के उपाय होते हैं, एक तो मात्रात्मक उपाय, एक तो क्वालिटेटिव होता है, एक तो क्वालिटी वाला, एक तो क्वांटिटी वाला, एक दोस्तों क्वांटिटी वाला और एक क्वालिटी वाला होता है, दो उपाय होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो वहां आपसे दो टाइप के टूल्स होते हैं आपके,
क्वालिटी क्वांटिटी उपाय और क्वालिटी उपाय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों सारी रेट आती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोस्तों आपके, CRR कैश रिजर्व रेट आपके, इसके अलावा MSFR मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपके, और आपके इसके अलावा जो भी आपके SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो सो, और ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO सो, सारी जो है आपके इसमें आती है छापना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, MSFR, SLR, OMO सारे आपके इस क्वालिटी क्वांटिटी के अंदर आती है, मात्रात्मक उपाय के अंदर आती है। देखिए यहां दोस्तों देखना आपके खुले बाजार की प्रतिक्रिया, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं इसको, OMO बोलते हैं। रेपो रेट सो RR रेपो रेट हो, और इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है RRR होता है। तरल कोष अनुपात सो कैश रिजर्व रेशो CRR। तो देखो दोस्तों अगर पूछूं आपसे OMO इसमें दोस्तों है आपके OMO, ये सो आंसर नहीं होगा आपके सो। रेपो रेट सो इसमें रेपो रेट है आपके सो, ये आंसर नहीं होगा आप सो। इसमें CRR सो यहां भी सो यहां भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सो आंसर होगा, शाख की राजनीति ठीक आंसर होगा। इसमें दोस्तों दो पॉइंट लिख लीजिए आपके सो, एक तो नैतिक दबाव मोरल प्रेशर दोस्तों आपके, और एक साख की राशनिंग जो है सो, ये दो चीजें साख की राशनिंग सो, साख की राशनिंग और नैतिक दबाव छाप सो, दो चीजें इसके अंदर आती है गुणात्मक के अंदर। बाकी दोस्तों सारी चीजें आपके मात्रात्मक के माध्यम से, सारी चीजें यहां दोस्तों आती हैं आपके क्वांटिटी के अंदर आती है आपके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, MSFR, SLR, OMO सारी यहां आती हैं। बाकी दोस्तों नैतिक दबाव और साख की राशनिंग जो सो ये गुणात्मक के अंदर आती है, चयनात्मक के अंदर आती है। सवाल पूछा है कौन सा चयनात्मक में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी साख की राशनिंग आने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कभी दोस्तों, अगर पूछूं आपसे सो रेपो रेट बढ़ जाए दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट सो बढ़ जाए, CRR सो बढ़ जाए आपके सो, ये सो बढ़ जाए आप सो, इसके अलावा सो SLR बढ़ जाए सो, अगर ये सारी रेट बढ़ जाए तो छात्रों मुद्रा स्फीति सो महंगाई पर कंट्रोल, मुद्रा स्फीति पर सो, मुद्रा स्फीति पर कंट्रोल होगा। ये मैंने रसगुल्ला फंट्रा आपको लिखा था, मुद्रा स्फीति पर कंट्रोल, ठीक है। अगर दोस्तों रेपो रेट बढ़े, रिवर्स रेपो रेट बढ़े, CRR बढ़ सो, SLR बढ़े, कोई भी रेट बढ़ जाए ना तो समझ दोस्तों आपके, तो आपके जो इन्फ्लेशन है उस पर कंट्रोल होगा। और अगर दोस्तों ये सारी रेट, अगर सारी रेट घट जाए आपसे, बैंक रेट घट जाए आपके, सारी रेट कम हो जाए तो छाप रहे सो, तो आपके मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, ये आपको सो महंगाई बढ़ेगी आपके छाप लेना, ठीक है। अगर रेट बढ़ेंगी तो महंगाई कंट्रोल होगी, अगर सो रेट कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, ये फंडा आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों पूरा कंसेप्ट तो आपको अलग से मैंने क्लास में पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट थोक मूल्य सूचकांक आपके, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का नया आधार वर्ष कौन सा आपके सो, नया आधार वर्ष पूछूं आपसे 2011-12 सो, इसका नया आपके बेस ईयर है 2011-12 छापना। अगर कभी सो पूछूं आपसे सो भारत पूछूं आपसे, भारत में महंगाई सो, भारत में महंगाई पूछे आपसे किससे दोस्तों आपके नापते सो, WPI से नापते छापना सो। इसमें दोस्तों केवल वस्तु शामिल होती है, इसमें दोस्तों केवल वस्तु शामिल होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले आपसे कि भारत में महंगाई किससे नापते हैं छापना, वो WPI से नापते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापते सो। इसमें दोस्तों केवल वस्तु शामिल होती है, और सो एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसमें दोस्तों वस्तु और सेवा दोनों शामिल होती है। इसमें मोटा अंतर आपके सामने सो, WPI में केवल वस्तु शामिल होती है, गुड्स शामिल होते सो, प्राइमरी गुड्स हैं सो, आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो शामिल होती है। यहां दोस्तों सेवा सर्विस जो है वो भी शामिल होती है, वस्तु सेवा दोनों शामिल है, भारत में इसका यूज करते हैं WPI का। ऑप्शन नंबर एक आपका ठीक आंसर है। बजट है एक वार्षिक वित्तीय सुविवरण पूछा है, बजट दोस्तों पूछे आपसे, बजट तो आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण छापना सो वो बजट होता है। अगर आपसे पूछूं सो बजट दोस्तों वर्ड जो है सो इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, पर दोस्तों इस वर्ड का उल्लेख संविधान में आर्टिकल नंबर 112 सो आर्टिकल नंबर 202 छापना सो यहां पर इसका उल्लेख है। यहां दोस्तों केंद्र का बजट है, और यहां दोस्तों राज्य का बजट छापना, सेंटर और स्टेट का बजट छापना, आर्टिकल नंबर 112 से लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वार्षिक वित्तीय सुविवरण जो है इसके बारे में आर्टिकल 112 में आपके, और आर्टिकल दोस्तों पूछा आपसे स्टेट वाले के बारे में उल्लेख यहां पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का ठीक आंसर है। ये दोस्तों एक छापना, ये दोस्तों एक आपके मनी बिल सो, ये आपके सो ये सो धन विधेयक है, ये भी छापना, ये सो मनी बिल है या धन विधेयक है, ये आपको यहां पर
ध्यान रखना दोस्तों, ये धन विधेयक है, मनी बिल है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर होगा। भारत में इन्फ्लेशन को मापने के लिए सो प्रयोग में लाते हैं। अभी दोस्तों मैंने कहा भारत, दोस्तों पूछूं आपसे, WPI जो है सो वो यूज होता है छापना, थोक मूल्य सूचकांक सो ये इन्फ्लेशन को मापने में यूज होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन पूछूं आपसे, कीमत सो कीमत में लगातार होने वाली जो वृद्धि होती है, लगातार होने वाली जो वृद्धि होती है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। वह इसको मापने के लिए भारत में WPI जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो काम आता है। ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है। अदृश्य छिपी का प्रश्न दोस्तों, अदृश्य छिपी या सो प्रश्न पूछू आपसे, प्रश्न दोस्तों पूछे आपसे, अदृश्य छिपी प्रश्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर से आपके कसी आपके एग्रीकल्चर दोस्तों यहां पर मिलती है छिपी हुई, मतलब दोस्तों इस फील्ड पर सो इस फील्ड पर काम है दो लोगों का, पर दोस्तों इनके बच्चे दोस्तों आपके चार बच्चे इनके दोस्तों चारों बच्चे इसमें लगे हुए हैं सो, बाकी दोस्तों दो लोग जो आपके वो छिपे हुए बेरोजगार हैं, वो ऐसा मान रहे हैं कि उनके पास में रोजगार है पर दोस्तों उनके पास रोजगार नहीं है। मतलब दोस्तों जिनकी सीमांत उत्पादकता जीरो होती है वहां छिपी बेरोजगारी होती है, जहां दोस्तों सीमांत उत्पादकता उत्पादकता जीरो दोस्तों होती छापना, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, MP बोलते हैं इसको, जहां दोस्तों जीरो होती है वहां दोस्तों छिपी बेरोजगारी होती है। ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसका एग्रीकल्चर भारत के अंदर, यहां दोस्तों छिपी हुई प्रचंड अदृश्य बेरोजगारी बहुत मात्रा मिलती है। गिनी गुणांक मापता है दोस्तों आय विषमता को, गरीबी को, बेरोजगारी को, क्षेत्रीय विषमता दोस्तों आपके क्या दोस्तों नापता है, गिनी गुणांक पूछूं आपसे। अरे दोस्तों आपको याद, दोस्तों आप याद कीजिए दोस्तों आपके गिनी गुणांक पूछूं आपसे, तो गिनी गुणांक रसगुल्ला दोस्तों, ये दोस्तों आपको मैप बनवाया था, ये ग्राफ बनवाए थे मैंने आपके, यहां दोस्तों ये लोरेंज दोस्तों आपके आदर्श, ये सो आदर्श लोरेंज सो आदर्श लोरेंज कर्व है आपके, और यहाँ दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों आए और यहाँ दोस्तों आपके जनसंख्या थी, आपके पॉपुलेशन थी यहाँ पर, और दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपके सो कर्व बना दोस्तों, और मैंने कहा दोस्तों इससे हम निकालते हैं आपके गिनी गुणांक सो, तो आय की विषमता ऑप्शन नंबर एक छापन सो, आय की विषमता जो मापता है, अगर दोस्तों गिनी गुणांक जीरो है तो छापन सो यहाँ दोस्तों आय की समानता है, यहाँ दोस्तों विषमता नहीं है आपके, एक अगर जीरो है दोस्तों, और अगर सो गिनी गुणांक एक है तो लिखना सो सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक आय विषमता जो है यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक आय विषमता एक पर होगी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। लोरेंज कर हो सो गिनी गुणांक हो, तो दोनों में आपके आय विषमता छापना ऑप्शन नंबर एक जो है वो इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरीज के न्यूनतम औसत दैनिक उपभोग के आधार पर करते सो, कितना दोस्तों उसका आधार सो गरीबी पूछे आपसे, ग्रामीण में 2400 कैलोरी ऑप्शन नंबर बी सो, और शहरी पूछूं आपसे शहरी रसगुल्ला 2100 कैलोरी, और अगर पूछूं आपसे तो सो एवरेज पूछूं सो एवरेज सो आप कितना सो 2250 कैलोरी एवरेज आपके, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। 2100 कैलोरी शहर के अंदर, ग्रामीण में 2400 कैलोरी ऑप्शन नंबर डी सो, और एवरेज पूछूं आपसे एवरेज कितना सो एवरेज आपके 2250 कैलोरी, ये आपको ध्यान है, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है। वाई के अलग समिति थी आपको याद होगा, उसने इसको दो भाग में डिवाइड किया था, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट आपके, भारत में नीति आयोग का गठन कब होता है, अब दोस्तों देखिए चारों ऑप्शन 1 जनवरी आपके, यहां दोस्तों 1 जनवरी, यहां भी 1 जनवरी, यहां 1 जनवरी, यहां 1 जनवरी, 1 जनवरी 2015 दोस्तों छापना, नीति आयोग की स्थापना होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आपके ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों फुल फॉर्म है इसकी, आंसर सो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर होने वाला सो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष आपके, और वर्तमान सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं आपके सो, और वीवीआर सुमंडल सारा सो ये इसके सीईओ हैं, और सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर सो कोऑपरेटिव फेडरेशन सिद्धांत काम करता है छात्र सो, और ये थिंक टैंक है ये सो सोचने का काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है, और इससे पहले योजना आयोग काम कर रहा था सो 1950 में उसकी स्थापना हुई थी, इससे पहले योजना आयोग था, अब दोस्तों नीति आयोग हो चुका है, 1 जनवरी 2015 को स्थापना, PM हेड है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं इसके सो, BBR सुब्रमण्यम इसके CEO
है, सहकारी संघवाद पर काम करता है, थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये आपको केवल सोचने का काम इसका है, ये सोचता है, काम तो करता नहीं, केवल सोचता ही सोचता रहता है। ठीक है, भारतीय नियोजन में योजना अवकाश हो किस अवधि में तो सो योजना अवकाश पूछू आपसे 51 से 56 पहली दो सो ना, 56 से 61 पूछू आपसे दूसरी, ठीक है, 61 से 36 तीसरी दो, इसके बाद में आपके इसके बाद आपके 3 साल दोस्तों अवकाश था आपके सो 3 साल अवकाश था आपके सो 3 साल इसके बाद अवकाश था अपना ना। तो यहाँ सवाल है योजना अवकाश पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर होगा योजना अवकाश। और दोस्तों इसी टाइम में पूछूं आपसे, इसी टाइम से हरित क्रांति जो सो हरित क्रांति स्टार्ट होती है इसी टाइम में, ये भी आपको छापना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके छाप सो इसके बाद 69 से 74 फोर्थ है ना सो 74 78 75 आपके सो ये 1 साल पहले एंड होती है। ठीक है, फिर दोस्तों 78 से 79 आपके और 79 से 80 पूछूं आपसे रोलिंग प्लान दोस्तों ना, फिर दोस्तों 1980 से 85 पूछे आपसे छठी दोस्तों ना, फिर 85 से 90 पूछू आपसे ये तो सातवीं सौ आपके सातवीं सौ आपके, फिर 1990 से 91 92 पूछे आपसे वो सो आपके योजना अवकाश हो, 92 से पूछू आपसे 92 97 98 आपके सो 97 से पूछे आपसे 2009 आपके 2002 9 आपके 2002 से 7 पूछू आपसे तो 10वीं हो गई आपके और 7 से 12 पूछू तो आपसे 11वीं हो गई और 12 17 पूछे 12वीं हो गई है। ये 12 5 ईयर प्लान हो, इसके बीच में कहां कहां अवकाश हो, कहां कहां आपके कहां कहां अवकाश है और कहां कहां दोस्तों आपके रोलिंग प्लान है वो सारे आपके सामने, तो पहली दूसरी तीसरी अवकाश दोस्तों, फिर आपके चौथी पांचवी, फिर से रोलिंग प्लान आपसे छठी सातवीं सो फिर से अवकाश हो गए यहां पर आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं 12 योजनाएं सबके नाम लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या सो 12वीं का पूछूं आपसे रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट तीव्र सतत और समावेशी विकास, तीव्र सतत पूछूं आपसे तेज सतत और समावेशी विकास छापना। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपके रैपिड इंक्लूसिव रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 12वीं फाइबर प्लान का उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन सा आपके 1938 आपके हरिपुर अधिवेशन हुआ दोस्तों, आपके हरिपुर अधिवेशन हुआ इसके दोस्तों हेड कौन थे आपके सुभाष चंद्र बोस इसके हेड थे आपके और यही दोस्तों कमेटी बनती छाप दोस्तों इसे बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी बोलते हैं और सर इसके हेड कौन होते हैं जवाहरलाल नेहरू छापना इसके हेड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर है जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट मानव विकास सूचकांक HDI 2021-22 की थीम कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक अनिश्चित समय। अब दोस्तों आपने HDI तो खूब पढ़ाया आपने HDI पर, सोचिए अगर आपने उसकी थीम नहीं पढ़ी सवाल तो थीम के ऊपर आ गया तो आपका सारा पढ़ा हुआ एक साइड है, क्वेश्चन एक साइड। ठीक है, देखिएगा मैंने कहा दोस्तों आपसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जारी करने वाला UNDP जारी करने वाला। ठीक है, 1990 इसका निर्माण होता है, 90 में निर्माण हुआ इसका। 3 आधार है आपके पर कैपिटा इनकम लिटरेसी आपके और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 3 इसके आधार है, प्रति व्यक्ति आय साक्षरता और आपके जीवन प्रत्याशा, 3 दोस्तों इसके आधार है। इस बार दोस्तों रैंक पूछू आपसे, इस बार रैंक पूछू आपसे 132 रैंक आपके 132 रैंक के आपके, और इस बार जो आपके इंडेक्स आता है उसमें थीम पूछू आपसे अनिश्चित समय अस्थिर जीवन छापना थीम है इसकी। ऑप्शन नंबर 101 ठीक आंसर है, अनिश्चित समय अस्थिर जीवन इसकी थीम है, ऑप्शन नंबर 101 आंसर है। सो 0 इसका मिनिमम वैल्यू सो और 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू छापना, 0 से 1 के बीच में होता है ये। और सो हम दोस्तों मध्यम कैटेगरी के अंदर आते हैं, हमारा दोस्तों वैल्यू जो आपके वो जो हमारा जो आपके हमारे जो वैल्यू आपके 0.6 के आसपास हमारी वैल्यू है, हम मध्यम कैटेगरी में, ये भी आपको छाप लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र का सा विनिर्माण सो मैन्युफैक्चरिंग सो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन तीनों किस में आते हैं सेकेंडरी में छापने सो पूछूं आपसे इसे बोलते हैं कृषि पशुपालन सो इसे बोलते हैं कृषि पशुपालन इसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र आपके सो इसे सेवा बोलते हैं आपके छापना तो दित्यक पूछूं आपसे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री छापना ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी सेक्टर में आती है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री तीनों चीजें ऑप्शन नंबर बी में आती है। ठीक है आगे बढ़िए GDP डिफ्लेटर GDP अपस्फीति कारक का सूत्र पूछे आपसे GDP डिफ्लेटर अगर दोस्तों महंगाई आई है दोस्तों तो महंगाई को सो महंगाई को सो अगर सो महंगाई आई है तो सो महंगाई को नापने के सो
महंगाई को नापने के लिए सो एक जीडीपी डिफ्लेटर आता है, सो मतलब सबके सो नॉमिनल जीडीपी अपॉन दो सो रियल जीडीपी इनटू 100 छापना, ये सो जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ऑप्शन नंबर सो पूछूं आपसे सो किसको नापने के लिए सो ये सो महंगाई जो इन्फ्लेशन होता है उसको नापने के लिए ये इसका यूज होता है। जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपॉन दो सो रियल जीडीपी इनटू 100 छापना, ये ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। जीडीपी दोस्तों दो टाइप की होती है, रियल जीडीपी दोस्तों आधार वर्ष पर होती है, नॉमिनल जीडीपी वर्तमान जो प्रचलित कीमतें होती है उस पर होती है। सो और सो महंगाई नापने के लिए आपके इनका हम अनुपात इनका परसेंटेज निकालते हैं अनुपात के लिए, वही हमारा जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है ना। अरे सबको शुभकामनाएं आप सभी को, धनतेरस की, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, सबकी शुभकामनाएं। ठीक है, अब सुनो राष्ट्रीय आय का सामान्य स्वरूप कौन सा है, नेशनल इनकम से पूछे आपसे। सो नेशनल इनकम दोस्तों पूछूं आपसे, इनमें से दोस्तों कौन सा नेशनल इनकम होने वाला, देखना आपके बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी सो एट फैक्टर कॉस्ट छापना, नेट नेशनल इनकम सो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट छापना, ऑप्शन नंबर सो डी होगा। साधन साधन लागत पर आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर। सो इसे बोलते हैं हम नेशनल इनकम छापना, नेट आपके नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी छापना, ये आपके नेशनल इनकम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। आगे बढ़िए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय सो राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था के द्वारा, वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है, पहले दोस्तों पहले आपके सी एस ओ आपके इसकी स्थापना 1991 में इसकी स्थापना होती है। सी एस ओ पूछूं आपसे, केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सो सी एस ओ बोलते हैं इसको, छाप रहा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सी एस ओ बोलते हैं इसको, 51 में इसकी स्थापना होती है। पहले दोस्तों यही आपके छापना सो यही आपके गणना करती थी नेशनल इनकम की, पहले यही थी ना, पर दोस्तों सी एस ओ प्लस एन एस एस ओ ना, CSO प्लस NSSO आपके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन दोनों से मिल चुकी है आपके, और वर्तमान में NSO बन चुका है। यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी सो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन सो आपके नेशनल स्टैटिस्टिक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन छापना सो बन चुका है। यह दोस्तों 2019 में बना है सो, और यह दोस्तों मंत्रालय पूछे सो मंत्रालय आपके मौसपी हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सो यह आपके ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके तो अंतर आपके आता है एनएसओ आता है, अभी दोस्तों सीएसओ है नहीं दोस्तों आपके, एनएसएसओ दोस्तों नहीं आपके, अब एनएसओ है तो पूछूं आपसे अभी कौन अभी दोस्तों करता है एनएसओ, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर होगा। पहले सीएसओ 19 के बाद में एनएसओ करता है, ये सो बन चुका है, नई संस्था बन चुकी है आपके, और मौसपी के अंदर आती सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आपकी जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, एनएसओ आपका ठीक आंसर है। एशिया का सबसे पुराना सो शेयर मार्केट पूछूं आपसे, सो एशिया का ओल्डेस्ट शेयर मार्केट कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सो बीएसई पूछूं आपसे, 1875 में इसकी स्थापना आपके मुंबई सो मुंबई इसका मुख्यालय होता है ना, और सो पूछे आपसे इसका दोस्तों इंडेक्स पूछूं आपसे, वो होता है सेंसेक्स आपके सो इंडेक्स होता है ना, जहां दोस्तों आपके टॉप 30 कंपनी शामिल होती हैं, लिस्टेड होती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों एनएससी पूछूं आपसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 92 में होती है, और सो पूछूं आपसे इसका दोस्तों इंडेक्स पूछे आपसे, मुंबई रसगुल्ला मुख्यालय इसका इंडेक्स पूछो आपसे, निफ्टी दोस्तों इसका इंडेक्स होता है, टॉप 50 कंपनी शामिल होती है इसके अंदर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है। जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन लोन देता है सो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं रेपो रेट सो, रेपो रेट अल्पकालीन शॉर्ट टाइम लोन होगा रेपो रेट सो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंक को उधार देती है, अल्पकालीन लोन देती है सो, और जो रेट होती है उसे रेपो रेट बोलते हैं, इसे दोस्तों पॉलिसी रेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉलिसी रेट छापना बोलते हैं। और अगर दोस्तों यह लोन दोस्तों दीर्घकालीन सोते हैं, अगर उसे लोन दीर्घकालीन हो जाए छाप सो, अगर दोस्तों ये लोन जो है आपसे वो आपसे लॉन्ग टर्म हो जाए छापना, तो उसे बैंक रेट बोलते हैं।
अगर उसको लोन शॉर्ट टर्म है तो उसे रेपो रेट बोलेंगे, अगर उसको लोन आपके लॉन्ग टर्म है तो उसे बैंक रेट बोलते हैं। और दोस्तों हमेशा बैंक रेट सो अधिक होगी सो फिर रेपो रेट होगी सो और फिर रिवर्स रेपो रेट होगी, ये सो हमेशा सही होने वाला है। सर्वाधिक बैंक रेट होगी, फिर रेपो रेट होगी, फिर रिवर्स रेपो रेट होगी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट जो है वो ठीक आंसर है। ठीक है, जीएसटी परिषद पूछे आपसे, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष पूछे आपसे, पीएम सेंट्रल वित्त मंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछूं आपसे, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279 दोस्तों, ये आपके 101वां संविधान संशोधन आपके सो और आपके 1 जुलाई 17 को लागू दोस्तों होता है। अच्छा अपना अगर पूछूं आपसे इसके तो हेड पूछे आपसे, भारत के वित्त मंत्री सो इसके हेड होते हैं और उसके काम पूछे आपसे सो दर डिसाइड करना आपसे 0% 5% 12% 18% 28% सो ये इसकी रेट होती है। छापना 0, 5, 12, 18, 28 रेट आपके सो तो आर्टिकल नंबर 279 दोस्तों ये छापना, जीएसटी काउंसिल है 101वां अमेंडमेंट छापना। आंसर लिखिए आपके केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर भी इसका ठीक आंसर है, वो इसके हेड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 1 रुपए के नोट, अरे मुझे सारे कमेंट दिख रहे हैं, पर दोस्तों जो आपकी क्लास करवा रहा है ना उसको घर जाना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं और जितना कंटेंट चाहिए उतना कंटेंट दे रहा हूं आपको। सवाल बना के लाया हूं, पूरा दिन खपा दिया जिसके अंदर जो है सवाल बनाए, आपके सामने पैनल फाइल लेकर आया हूं, क्लास ले रहा हूं आपके सामने। कल से छुट्टियां स्टार्ट होंगी मेरी, तो आज से छुट्टी नहीं, कल सुबह क्लास लेने के बाद छुट्टियां स्टार्ट होंगी। ठीक है, देखिए 1 रुपए के नोट पर सो किसके साइन होते हैं, वित्त मंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति सो वित्त सचिव। अगर पूछूं दोस्तों आपसे 1 रुपए प्लस पूछूं सो, 1 रुपए प्लस पूछे आपसे सो, तो उस पर साइन होते किसके, आपके गवर्नर के साइन होते हैं, शक्तिकांत दास जी के साइन। लेकिन सो 1 रुपए पूछे आपसे जो आपके सिक्का होता है उस पर आपके जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी सो, ऑप्शन नंबर डी छाप सो, फाइनेंस सेक्रेटरी छाप जो वित्त सचिव है उनके साइन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के, बाकी दोस्तों जो नोट होंगे छापना उन पर आपके गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनके साइन होने वाले। सर रॉकेट में बैठ के नहीं उड़ जाओ, हाँ बेटा सही बात है, मैं उड़ जाऊं तेरे लगा दू VIP बम। ठीक है, सुन, बजट 2023-24 अमृत काल का पहला बजट है। यहाँ अमृत काल सो, अमृत काल में कितने वर्ष शामिल हो, अमृत काल, अरे सो मैंने कहा था आपके 2000 से 2022 से 47 दोस्तों आपके 25 वर्ष आपके अमृत काल से रहने वाला, 25 वर्ष रहेगा अमृत काल सो, इसे बोलते हैं अमृत काल आपके सो। और इस अमृत काल का पहला बजट जो है वो अभी पेश हुआ छाप सो, 25 वर्ष आंसर होगा, 2022 से 47 आपके सो 25 साल हो गए आपके, 25 वर्ष का अमृत काल रहने वाला है। तो 25 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछो दोस्तों आपसे आजादी का अमृत महोत्सव पूछना सर, आजादी का अमृत महोत्सव वो 75 वर्ष पूरे होने पर बनाए छापना, आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर बनाए, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष हमारा ठीक आंसर होने वाला है। जनधन योजना की शुरुआत पूछना सर 28 अगस्त, अरे जीरो बैलेंस अकाउंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम कौन सी है, वो है आपके जनधन साहब के जीरो बैलेंस अकाउंट खुले थे आपके, लास्ट माइल कनेक्शन अंतिम व्यक्ति को आपके बैंक से जोड़ना उद्देश्य आपके 28 अगस्त की तारीख थी, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर। अगर पूछूं आपसे 1 मई दोस्तों पूछूं आपसे उज्ज्वला योजना सो बलिया उत्तर प्रदेश से एलपीजी गैस कनेक्शन छापना, उज्ज्वला योजना 1 मई को स्टार्ट सो। 25 दिसंबर पूछो तो आपसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छाप सो आपके 25 दिसंबर 2000 को आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हो जाए। और 17 सितंबर पूछो आपसे अभी दोस्तों हाल ही में विश्वकर्मा योजना आपके अभी दोस्तों हाल ही मोदी जी ने अपने बर्थडे पे स्टार्ट की है विश्वकर्मा योजना। तो जनधन योजना 28 अगस्त 14 को आपके सो, उज्ज्वला योजना 1 मई 16 को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके 25 सितंबर 2000 को, आपके विश्वकर्मा 17 सितंबर 2023 छापना, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर एक हो गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपके 15 अप्रैल 80, 1 जनवरी 49, 19 जुलाई 69, 1 अप्रैल 70 पूछा सर, चारों डेट महत्वपूर्ण है, चारों बैंक राष्ट्रीयकरण की डेट है ना। फर्स्ट पूछना से 1414 बैंक आपके 1969 आपके इंदिरा गांधी जी ने की थी आपके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 बैंक पूछूं आपसे वो 1980 में 6 बैंक होती हैं, 14 बैंक 69 में, 6 बैंक आपके 80 में आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछूं आपसे सो वो 1949 में होती है आपके सो, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो इसमें दोस्तों आपके कुछ बैंकों से विलय होता है आपके, जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर दोस्तों आपके त्रावणकोर पानीपत आपके महिला बैंक दोस्तों सारी मर्ज होती है इसके अंदर। 1 अप्रैल 17 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपके 19 जुलाई आपके 14 बैंक, 1 जनवरी
आरबीआई 15 अप्रैल आपके 6 बैंक, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर है 19 जुलाई 1969 छापना हमारा आंसर है। 10 रुपए के नोट पर सो किसका चित्र मुद्रित है, 10 रुपए का नोट अभी दोस्तों जारी हुआ है अलीम ने आपके, उस पर पूछूं आपसे कोणार्क सूर्य मंदिर से, कोणार्क छाप सो कोणार्क सूर्य मंदिर से, ये आपके 10 रुपए के नोट पर छापना ये चित्र है। 2000 के नोट से 2000 के नोट पर क्या था आपके मंगलयान था, पर दोस्तों अब ये बंद हो चुका है छापना, 2000 के नोट पर मंगलयान था पर अब बंद हो चुका है ठीक है। रानी की बात पूछो आपसे 100 रुपए के, 100 रुपए के नोट पर रानी की बात गुजरात से, गुजरात छाप दो, और हम्पी पूछू तो आपसे हम्पी कितने पर है, हम्पी 50 के नोट पर हम्पी है, ये भी आपको छापना है ठीक है। तो दोस्तों आपके 50 के नोट पर सो हम्पी हो गया, सो रानी की बाप 100 रुपए के नोट पर है, मंगलयान 2000 रुपए के नोट पर सो, और कोणार्क सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया ठीक है। आगे देखिए निक्की निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका सिंगापुर भारत जापान, सो भारत का पूछू आपसे तो भारत का आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपके NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत, पूछू आपसे अमेरिका सो डाउ जोन्स नास्डाक, नास्डाक और सर डाउ जोन्स पूछो आपसे, नास्डाक और डाउ जोन्स पूछे आपसे, नास्डाक और डाउ जोन्स हो ये आपके यूएसए के छापना, नास्डाक और डाउ जोन्स ठीक है सर। और कॉस्पी पूछू आपसे, कॉस्पी है कोरिया, कॉस्पी कोरिया ठीक है सर, कॉस्पी कोरिया, नास्डाक डाउ जोन्स अमेरिका से आपके, और जापान निक्की छापना जापान, ऑप्शन नंबर बी है, निक्की जापान का टोक्यो का है ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार न्यूनतम गरीबी रेखा के लिए निम्न में से किसको आधार बनाया, सो इन में से कौन सी आपके पर डे की इनकम है आपके जिसको आधार बनाया था, न्यूनतम गरीबी के लिए बनाया आधार था अपना, कौन सी आपके सुरेश तेंदुलकर कमेटी इसकी सिफारिश जाना कौन सा आधार है, ऑप्शन नंबर ABCD, 4 ऑप्शन बताओ क्या आंसर होगा आपके अनुसार। कन्फ्यूजन वाला सवाल दोस्तों ये है ना, बताओ सुरेश तेंदुलकर कमेटी की सिफारिश पर सो न्यूनतम गरीबी रेखा जो है उसका आधार क्या है, 47 रुपए, 32 रुपए, 32, 30, 33, 32, 27, 33 आपसे क्या आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो 47, 32 पूछूं आपसे, यह दोस्तों रंगराजन समिति, यह है रंगराजन समिति आपके, मतलब आपके शहर में, शहर में पर डे 47 रुपए आपके, और सो गांव में ग्राम ग्रामीण निधि छापने सो पर डे 32 रुपए आपके सो आधार बनाए आपके गरीबी रेखा का ठीक सो। और 27, 33 पूछूं आपसे, यह दोस्तों किसका सो, यह है सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी है उसकी सिफारिश से आता है छापना, और सो इसमें ग्रामीण में रूरल एरिया में आपके रूरल 33 रुपए आपके, और शहरी पूछू अर्बन छापना, अर्बन आपके रूरल में आपके 27 रुपए, उस अर्बन में छापना 33 रुपए, ऐसा अर्बन में होगा आपके 27, 33 आपके, 27, 33 आपके सुरेश जी का है ना आपके, 47, 32 पूछूं आपसे रंगराजन का छापना, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 27, 33 सुरेश तेंदुलकर समिति, और 47, 32 पूछूं आपसे रंगराजन कमेटी छापना, 47, 32 है, दोनों आपको ध्यान रखना है ठीक है। हमारा आंसर हो गया है सुरेश तेंदुलकर कमेटी पूछू आपसे 27 और 33 रुपए होगा, नोट करना ऑप्शन नंबर डी है ना। नरेगा अधिनियम किस 200 वर्ष में आपके, नरेगा अधिनियम पूछे आपसे, नेशनल आपके रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पूछे आपसे 2005 दोस्तों, और पूछू आपसे लागू आपके 2 फरवरी 2006 से लागू होता है आपके, और सो इसका नाम मनरेगा सो पूछे आपसे, सो इसका नाम मनरेगा पूछू आपसे वो होता है रसगुल्ला, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा हो गया। 3 क्वेश्चन आपके सामने, तो आंसर आपके ऑप्शन नंबर से एक आंसर होगा 2005 इसका आंसर है, नरेगा अधिनियम 2005 का है, पर सो लागू होता है आपके 2 फरवरी 2006 को लागू होता है, और दोस्तों छापना आपके सो मनरेगा नाम इसका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा होता है, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है ठीक है। आगे बढ़िए एशियन ड्रामा पुस्तक के से लेकर पूछे आपसे एडम स्मिथ दोस्तों आपके वेल्थ ऑफ नेशन पूछूं आपसे वो है एडम स्मिथ आपसे, जेम्स किन्स पूछूं आपसे जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछूं आपसे वो रसगुल्ला, जेम्स किन्स दोस्तों जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गुन्नार मेडल एशियन ड्रामा सो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स पूछूं आपसे दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स अपना दास कैपिटल, तो एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल से, और दोस्तों इन्हीं दोस्तों इन्हीं पर आपके इन्हीं ने दिया था रोलिंग प्लान, इन्होंने दिया आपके सो रोलिंग प्लान, इन्होंने दिया था आपके अनवरत प्लान ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे गुरनार मेडल दोस्तों आपके रोलिंग प्लान का फादर पूरे वर्ल्ड में यही है सो आपके, जो हमने स्टार्ट की 2 साल आपके 70
78, 79, 79 से 80 छापना, 78, 79, 79, 80 आपके दो साल हमने चलाई थी उस रोलिंग प्लान आपके गुन्नार बसो मेडल मॉडल बस हो, उनकी बुक का नाम एशियन ड्रामा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बाकी दोस्तों तीन महत्वपूर्ण बुक और लिखा दी मैंने ना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सो अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया आपके अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है, अभी दोस्तों हाल ही में क्लाउडिया गोल्डिंग ऑप्शन नंबर सो, अरे अर्थ गोल है सो, अर्थ गोल है छापना यूएसए की रहने वाली है, इन्हें अभी हाल ही मिला है ठीक है। और अगर आपसे पूछे अभी दोस्तों साहित्य का पूछूं आपसे जॉन फोसे को साहित्य ठीक है, साहित्य में नाफस मेरी जान नार्वे के रहने वाले जॉन फोसे ठीक है। और पूछे आपसे शांति पूछूं आपसे नरगिस मोहम्मदी, सो नरगिस को शांति चाहिए आपके, ये आ गया आपके शांति वाला ईरान की है ठीक है। अब मैंने कहा दोस्तों आपसे अमर्त्य सेन पूछे आपसे ना, लिखिए दोस्तों लिखिए अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, पहले भारतीय पूछूं आपसे वो कौन दोस्तों आपके, वो हैं आपके अमर्त्य सेन छात्रों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, अमर्त्य सेन होगा हमारा दोस्तों आंसर होगा क्या आपके, इनको मिला था 1998 में ठीक है, और वेलफेयर स्टेट की संकल्पना उसके लिए मिला था 98 के अंदर। पर सवाल से पूछा, सवाल पूछा इस बार किसको मिला, इस बार आपके क्लाउडिया गोल्डन को मिला, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है ठीक है। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, गरीबी उन्मूलन पूछो आपसे, सो गरीबी हटाओ नारा, सो गरीबी हटाओ नारा पूछे आपसे वो दोस्तों आपके कब का है, वो है 97 का सो गरीबी हटाओ नारा। पर उसको पूछूं आपसे गरीबी सो उन्मूलन पूछे आपसे वो सो कौन सा है, उसको पांचवी जो पंचवर्षीय योजना सो उसका मुख्य लक्ष्य है आपकी गरीबी है उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर होगा। पांचवी योजना सो, पांचवी योजना आपके 1974-70 सो, अगर कभी पूछूं दोस्तों आपसे वह दोस्तों कौन सी योजना है जो तय समय से पहले खत्म हो जाती है, वो पांचवी ऑप्शन नंबर डी होगा सो। चार वर्ष के अंदर ही अंत हो गई, पांचवा वर्ष इसका आया ही नहीं ठीक है, चार वर्ष में अंत हो गए, ऑप्शन नंबर डी है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सा लोहो इस्पात संयंत्र सो स्थापित नहीं हुआ सो, सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों तीन हुए थे आपके, अब से याद करो सेकंड में तीन आपके राउरकेला सो ओडिशा, भिलाई पूछूं आपसे, भिलाई भिलाई पूछे आपसे छत्तीसगढ़ सो, दुर्गापुरा पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल सो, ये आपके जर्मनी की सहायता सो आपके, ये सो आपके रूस की सहायता, और सो ये आपके सो पूछे आपसे, ये सो आपके इंग्लैंड अपना सहायता आपके, बोकारो दोस्तों ये थर्ड में स्टार्ट हो, बोकारो सो थर्ड में हुआ स्टार्ट सो, झारखंड में हुआ है सो रूस की सहायता स्थापना स्थापित हुआ आपके बोकारो, तो बोकारो थर्ड के अंदर हुआ है, आंसर होगा हमारा बोकारो इसका ठीक आंसर है ठीक है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष पूछे कौन सा आपके, योजना सो योजना आयोग पूछो आपसे 1950 स्थापना होती है इसकी, केसी नियोगी, केसी सो नियोगी कमेटी स्थापना सो इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे दोस्तों आपसे इसके इसके तो पहले हेड पूछे दो, पहले से पहले अध्यक्ष पूछूं आपसे वो कौन दोस्तों आपके, वो हैं जवाहरलाल नेहरू, इसके पहले हेड थे आपके सो, और तो पहले उपाध्यक्ष पूछे आपसे वो कौन दोस्तों आपके, वो तो कौन आपके, वो हैं गुलजारी लाल सुनंदा छापना सो, इसके पहले उपाध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगर कभी दोस्तों पूछूं आपसे पहले अध्यक्ष नेहरू साहब ठीक है, इसके पहले उपाध्यक्ष पूछे आपसे वो गुलजारी साहब से, और इसके अंतिम पूछूं आपसे सो इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन से, वो है मोंटेक्स सिंह अहलूवाल सो, मोंटेक्स सिंह सो, मोंटेक्स सिंह अहलूवाल छापना सो, ये इसके अंतिम उपाध्यक्ष है, ये भी आपको छापना सो। और सो पूछे नीति आयोग के पहले पूछो सो, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष छापना वो कौन है, अरविंद पनगड़िया, और अभी दोस्तों सुमन वैरी हैं, ये चारों महत्वपूर्ण नाम है ना, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है, गुलजारी लाल नंदा छापना, ये पहले आपके इसके उपाध्यक्ष थे। भारत में वर्तमान में कुल दोस्तों कितनी महारत्न कंपनी सो, वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनी सो, 13 कंपनी है, और अभी दोस्तों हाल ही में सो 12वीं कौन सी, 12वीं आपके REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन छापना भारत आपके, और तो 13वीं पूछो ना, 13वीं पूछो तो आपसे 13वीं कौन सी, 13वीं आपके 13वीं पूछे आपसे ऑयल इंडिया सो, ऑयल इंडिया छापना लिमिटेड सो, ये 13वीं है छापना, 13वीं ऑयल इंडिया लिमिटेड, 12वीं पूछे आपसे REC है, कुल तो 13 कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। अभी हाल ही में श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र, श्री अन्न एक्सीलेंस एक्सीलेंस सेंटर कहां शुरू कर सो करने की घोषणा आपके, अभी दोस्तों बजट में आपके श्री अन्न दोस्तों मोटा अनाज, ज्वार बाजरा रागी कुटकी दोस्तों ये सारे मोटा अनाज होते हैं, उन्हें श्री अन्न बोला गया दोस्तों इस बार आपके, और पूछो दोस्तों आपसे अन एक्सीलेंस सेंटर हैदराबाद में स्थापित होगा, और सो यह दोस्तों वर्ष पूछूं आपसे
2023 पूछे आपसे मोटे अनाज का वर्ष हो, बाजरे का वर्ष या फिर श्री अन्न का वर्ष जो है 23 वर्ष है वो वर्ष चल रहा है। अच्छा अपना ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है आपके, इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करता है आपके इकोनॉमिक सर्वे। और पूछूं आपसे कौन पेश करता है चीफ दोस्तों आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपके सीई आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो पेश करता है इसको, तैयार आपके वित्त मंत्रालय करता है। और यह सो ये बजट से एक दिन पहले जो है पेश होता है छात्र दोस्तों। और इसमें दोस्तों इसमें आपके जो वर्ष गुजर गया है उस वर्ष के रियल आंकड़े इसके अंदर होते हैं, ये भी छापना। ऑप्शन नंबर भी हमारा वित्त मंत्रालय इसका ठीक आंसर है। गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछे आपसे, गणतंत्र रिपब्लिक इंडिया का पहला सो अगर पूछूं आपसे, अगर सो पूछे आपसे शणमुखम शेट्टी पूछूं आपसे, लिखना स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछे आपसे 1947 से पूछूं आपसे, वह है शणमुखम शेट्टी साहब से स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है। अगर पूछू आपसे रिपब्लिक भारत हो गणतंत्र भारत का पूछे आपसे पहला, वो है जॉन मेथाई, ऑप्शन नंबर 1950 आपको छापना है। अरे शणमुखम शेट्टी नहीं दोस्तों आपके, शणमुखम शेट्टी आपके आपके जो आपके जो आपके ये स्वतंत्र भारत है उसका पहला ये है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे जॉन मेथाई पूछा आपसे गणतंत्र भारत पूछे आपसे पहला, वो जॉन मेथाई है, दोनों आपके अलग अलग बात है, ठीक है। और अगर पूछे आपसे मोरारजी देसाई पूछो आपसे, तो लिखना आपके सर्वाधिक बार पेश करने वाले ये हैं, 10 बार है ना, 10 बार पेश किया उन्होंने, ये भी छाप रहे। और पहली महिला पूछूं आपसे, पहली महिला कौन आपके, वो इंदिरा गांधी है, हमारा आंसर हो गया जॉन मेथाई, हमारा ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। हरित क्रांति शब्द के सो प्रतिपादक फाउंडर कौन आपके, सो नॉर्मन बोरलॉग, पूरे वर्ल्ड में जनक पूछूं आपसे, वो है नॉर्मन बोरलॉग, पूरे वर्ल्ड में जनक नॉर्मन बोरलॉग। एम एस पूछू स्वामी विश्वनाथन छापना, ये सो भारत सो इंडिया में जनक पूछे आपसे, वो है एम एस स्वामीनाथन, भारत में जनक छापना एम एस स्वामीनाथन, सो भारत के अंदर जनक, ठीक है सर। विलियम गोड पूछू आपसे, वर्ड देने वाले विलियम गोड सर। और वर्गीज कुरियन पूछू आपसे श्वेत क्रांति इसे बोलते स्वाम श्वेत क्रांति, इसे बोलते हम ऑपरेशन फ्लड बोलते सो, ये छापना सो ये कौन आपसे, ये आपके वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो हरित क्रांति वर्ड देने वाले विलियम गोड, भारत में जनक पूछे आपसे, वो एम एस स्वामीनाथन। अभी दोस्तों में निधन किसका हुआ है, स्वामीनाथन जी का, अभी दोस्तों हाल ही में निधन हुआ, ये भी छापना। तो स्वामीनाथन जी भारत में प्रमुख, भारत में जनक, नॉर्मन बोरलॉग से पूरे वर्ल्ड में जनक, वर्ड देने वाला विलियम गोड, और श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन छापना। ये आपको चारों नाम याद करने एग्जाम में आपके ऑप्शन नंबर सी आपका महत्वपूर्ण नाम होने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रजनन दोस्तों दर पूछूं आपसे, प्रजनन दर का लक्ष्य दोस्तों क्या तय हुआ आपके, 4%, 10%, 2.1% और 8% छात्र, चार रेट हैं, चार लक्ष्य हैं, ये चारों लक्ष्य आपके इस एग्जाम के लिए और 12वीं योजना के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिएगा भाई साहब, फर्स्ट दोस्तों 4% फर्स्ट 4% पूछो दोस्तों आपसे 12वीं पंचवर्षीय योजना से, एग्रीकल्चर का टारगेट पूछे आपसे, कृषि का टारगेट पूछो आपसे, वो है 4%, ये कृषि का 4%, ठीक बात दोस्तों। आगे देखिए 10% पूछो आपसे, वो दोस्तों किसका सो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग पूछे आपसे, वो है 10% छापना विनिर्माण का, ठीक है। 2.1% पूछा आपसे, वो सो प्रजनन दर सो, अरे हम दो हमारे दो इसे बोलते 2.1% छापना, हम दो हमारे दो 2.1%, ठीक है। और अगर पूछू दोस्तों आपसे 8% पूछे आपसे, ये सब पूछे आपसे 8% हमारे सो वृद्धि दर का लक्ष्य है, पूछे तो आपसे ग्रोथ रेट का लक्ष्य पूछूं आपसे, वो है 8%, चारों रेट आपके सामने, 4% एग्रीकल्चर आपके, 10% मैन्युफैक्चरिंग, 2.1% प्रजनन दर आपके, 8% वृद्धि दर छापना, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आंसर हो गया है 2.1% छापी, हमारा आंसर है 12वीं योजना का आंसर, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये दोस्तों आपकी क्लास थी आज की, जितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे, जितने मैं बना पाया एक दिन के अंदर, वो सारे सवाल आपके बीच लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको पता लगे होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, और आपने अधिकांश सवाल ठीक हुए होंगे, आपका रिवीजन दोस्तों हो गया होगा। अगर आप ब्रह्मास बैच के स्टूडेंट हैं तो ये सारे सवाल आप आराम से कर पाओगे, और बहुत सारी बातें रिवाइज होगी होंगी आपकी जो हैं। वही उद्देश्य मेरा था कि भाई आज कल आपका दिवाली शुरू होने वाली, तो आज रात को मैं आपको कुछ नया करा देता हूँ, कुछ रिवाइज करा देता हूँ आपको, वही कराने के लिए आपके बीच में आ गया हूँ, ठीक है। कल दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी आपसे, अक्टूबर 2023 का, तो पूरा रिवीजन 140% दोस्तों आपके
140% जो है आपके वो सब कराने वाला हूं, कल कराऊंगा सुबह आपके, केवल दोस्तों एक घंटे में, केवल से एक घंटे के अंदर आपके अक्टूबर 23 के सारे महत्वपूर्ण सवाल 140 सवाल, एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स, नोबल पुरस्कार, सारे सवाल दोस्तों आएंगे ना, सारे पॉइंट इसी में आएंगे। ये एग्जाम के लिए सो बड़ा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, केवल एक घंटे देना। कल सुबह क्लास आने वाली है, 6:30 बजे क्लास आएगी ये, कल सुबह 6:30 बजे क्लास आने वाली है, ये आपको तैयार रहना। बाकी दोस्तों दिवाली ऑफर शुरू हो चुका है, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, अगर आपको उत्कर्ष पर विश्वास है तो आपको ये ऑफर का फायदा उठाना है। दोस्तों अवसर पर चीते की तरह झपट्टे मारने वाला ही सफल होता है, अवसर आपके सामने ऑफ है, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज आपके सामने, और साथ में आपके 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है, तीनों चीजें कॉम्बो पैक में आपको एक साथ उपलब्ध है। और ब्रह्मास्त्र बैच दोस्तों आपके लिए, आपके 399 ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो 399 में उपलब्ध है आपको, अगर आप पढ़ना चाहें उसको पूरे बैच को 1-2 महीने के अंदर तो पढ़ लीजिएगा, 399 में ब्रह्मास्त्र बैच आपका उपलब्ध है। बाकी दोस्तों जनवरी के अंदर आपके लिए एक नया ब्रह्मास्त्र बैच लेकर आऊंगा, उसमें कुछ नया भी करूंगा आपके लिए, तो आपके जनवरी में आएगा दोस्तों वो बैच आपके, अगर आपको 2 महीने पढ़ना है ब्रह्मास्त्र बैच को तो 399 के अंदर आपको बैच उपलब्ध है, आप लेना चाहे तो ले लीजिएगा। बाकी ऑफर चल रहा है आपका, ऑफर दोस्तों कोर्स के अंदर भी ऑफर है, सारे कोर्स के अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम हो, स्कूल हो, नीट जेई दोस्तों आपके नीट जेई हो, या फिर दोस्तों आपके लॉ का एग्जाम लॉ है, या आपके, या आपके कोई स्टेट का एग्जाम होने वाला है, सेंटर का एग्जाम होने वाला है, कोई सा एग्जाम हो, सो बुक्साला की बुक्स है आपके, सब पर ऑफर चल रहा है आपको उपलब्ध ऑफर, दिवाली ऑफर है आज दोस्तों, ऑफर रहने वाला है कल भी रहेगा, सो 11 को रहेगा, 12, 13, 14, 15 अभी ऑफर रहेगा, 15 दोस्तों अंतिम तारीख होने वाली ऑफर की, आप लाभ उठाना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्लास के बारे में। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी को। बाकी कल सुबह मुलाकात होगी आपसे 6:30 बजे यहीं उत्कर्ष परिवार के अंदर मुलाकात आपसे होने वाली है। इकोनॉमी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैंने कराए आपको, अब आप अपने त्यौहार बनाइए, मैं भी दोस्तों अपने त्यौहार बनाता हूँ, और फिर आपसे कल सुबह मुलाकात होगी, और फिर दोस्तों उसके बाद में आपसे 15 तारीख को आपसे सुबह 6:30 बजे मुलाकात होने वाली है। ध्यान रखना, जय हिंद, हैप्पी दिवाली, सुरक्षित बनाना दिवाली, अपने घर वालों को सम्मान करना, और ऑल दी बेस्ट। अंत में आप सभी के लिए, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान का ठान लिया, तो ठान लिया, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।